पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के टाइटल की मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे रूल्स जो है वो हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे बिजनेस के लिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिसकी वजह से बिजनेस करना बहुत टफ था, डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आप चीज़ों को सिर्फ फॉरेन कंट्री से नहीं बल्कि स्टेट टू स्टेट, दूसरे स्टेट में भेजना वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो फिर इंडिया ने ये पॉलिसी लाई थी लिबरलाइजेशन की, जिसकी वजह से जो रूल्स थे उनको थोड़ा सा लीनियंट किया गया। पहले जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको निकाला गया, लीनियंट रूल्स लेके आए, जिससे बिजनेस करने में थोड़ा सा ईजी हो गया। और फिर ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने ग्लोबल मार्केट में बेचना शुरू किए, यानी इंटरनेशनली सेलिंग करना शुरू किए, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सो ये जो चैप्टर है वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे रिलेटेड है, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5-year plans, one after other. ठीक है, हमने 1950 से 5-year plans बनाना शुरू कर दिए थे, और 5-year plans में हम decide करते थे कि इन 5 सालों में हमें ये targets achieve करने हैं। फिर 55 में हम अगले 5 ईयर्स की प्लानिंग कर लेते थे। तो 5 ईयर प्लान्स हम बनाते थे रेगुलरली, वन बाय वन। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्काल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिस। ऑल्दो मैनी ऑफ दीज प्लान्स वर कंप्लीटेड, सक्सेस वॉज नॉट अटेंड इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस। तो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, जो हमने प्लानिंग की थी उसमें बहुत अच्छी सक्सेस भी मिली हमें, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही थी। हियर बाय द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड द कॉजेस, गवर्नमेंट ने इसके कॉजेस निकालना शुरू किए, तो पता चला क्योंकि हमारा बिजनेस थोड़ा सा वीक चल रहा है, बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे लोग, उसी की वजह से लिबरलाइजेशन सॉरी उसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो पीछे जो हमारे पास्ट में जो गलतियाँ हो गई थी उसको ठीक करते हुए इन द ईयर 1991 कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने स्टार्ट किए, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेंथन हो सकती थी। फर्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन। चलो अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देखते हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड इंकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उनको हटाना शुरू किया ताकि बिजनेस करना ईजी हो सके। दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन विच वर मेड इन द अर्लियर पीरियड वर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, देयर वॉज रिजर्वेशन ऑफ 18 इंडस्ट्रीज। कैसे उन्होंने रूल्स को लीनियंट किया, तो पहला रूल बनाया कि 18 इंडस्ट्रीज उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उन्होंने कहा कि इन 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के अगर आपका कोई भी बिजनेस इन 18 के अलावा है तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। तो पहले कोई भी बिजनेस करना हो आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ये 18 इंडस्ट्रीज़ के अलावा किसी को भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस।